Dear student, very good morning. Yesterday I told you about direct and indirect speech, in which I told about the tense which change according to the reporting verb. I also told about the personal pronoun and the word denoting the nearness thing. So let us recap again. These are three charts. I will tell you one by one everything. Personal pronoun. As I told you yesterday, personal pronoun तीन प्रकार के होते हैं, first person, second person, third person. First person, I or we. First person में क्या आता है? I or we. ये reporting verb के subject के अनुसार बदलते हैं. मैंने कल बताया था कि एक reporting verb होती है और एक close reporting verb होती है, दूसरी close को हम बोलते हैं reported speech. जो स्पीकर होता है, जो अपनी बात को कहता है, उसको हम सेम टू सेम बोलते हैं, लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा में होती है. तो जो फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आएगा, अगर आई और वी कोई सा एक है, तो उसमें वो रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू, जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. कल भी मैंने बताया था, एक बार और रिकैप कर रहा हूँ आपके लिए. थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये होते हैं ही, सी, इट, दे. इनमें कोई बदलाव नहीं आता. इनको हम दूसरी भाषा में सन के नाम से भी जान लेते हैं. सन का मतलब है, एस का मतलब है सब्जेक्ट. जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के. जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसमें कोई बदलाव नहीं होता. ठीक है, तो ये थे आपके पर्सनल प्रोनाउन जो मैंने कल बताए थे. अगर नहीं समझ में आए तो आज इसको ढंग से देख लीजिए आप लोग. दूसरी बात करते हैं आपके टेंस की. कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो कुछ टेंस बदल जाते हैं. जैसे जितने भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे पास्ट में बदल जाते हैं. ऐसे ही जो पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट परफेक्ट है, ये दोनों भी, ये पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में. और जो पास्ट कंटिन्यूअस है ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. और जो बाकी के बचे दो, पास्ट परफेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. समझ में आया? तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस है, वो पास्ट में बदल जाएंगे सब्सिक्वेंटली. और जो पास्ट के दो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये अगले वाले में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएंगे. अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, वो सेम टू सेम ऐसी रखी जाएगी. और ऐसे ही फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी फ्यूचर टेंस में है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, केवल विल वुड में बदल जाता है, शैल शुड में बदल जाता है, कैन कुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है, और मस्ट ही रहता है, या तो हैड टू में बदल जाता है, और हैज टू या हैव टू हैड टू में बदल जाते हैं. ये आपका परिवर्तन होता है जो मैंने कल भी बताया था. एक तीसरी बात करते हैं, कुछ वर्ड हैं, कुछ एडजेक्टिव या कुछ एडवर्ब हैं या टाइम से रिलेटेड वर्ड हैं जो अपने दूर के शब्दों में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं दिस दैट में बदल जाता है रिपोर्टेड स्पीच में. रिपोर्टेड स्पीच में आपका दिस है तो वो किस में बदल जाएगा? दैट में बदल जाएगा. दिस दोज में बदल जाएगा. हियर, देयर, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, दिस डे, दैट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, टुमारो, द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट को बदल देंगे द नाइट बिफोर, अगो को बदल देंगे बिफोर में, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, और लास्ट नाइट को द लास्ट ईयर को द ईयर बिफोर में बदल देंगे. तो ये आपकी चेंजेज आती है जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं.
ठीक है, तो उसको हम इसमें ये सारे परिवर्तन आते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस बताता हूँ अभी, उससे आपका ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। हाँ देखो डियर स्टूडेंट, अब मैंने चार सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं, ये चारों सेंटेंस पास्ट टेंस में है। कैसे पता चलेगा पास्ट टेंस में है? इसमें यहाँ पे सेट टू लिखा है, यहाँ पे भी सेट टू लिखा है, यहाँ पे भी सेट टू लिखा है, यहाँ पे भी सेट टू लिखा है, तो इसका मतलब ये सारे, इसको बोलते हैं इस सेंटेंस को बोलते हैं, या इस क्लोज को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, ये नियम कल आपको लिखवा था, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। और कैसे बदलेगा वो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, सारे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाते हैं, और पास्ट के पहले दो टेंस वो पास्ट के नेक्स्ट दो टेंस में बदल जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होता, और फ्यूचर टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होता, केवल मॉडल जो वर्ब होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वे बदल जाती हैं, विल वुड में बदल जाएगी, सेल्स वुड में बदल जाएगी, ये चेंजेज आता है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा है ही सेड टू मी, कल भी मैंने बताया था आपको कि सेड टू को हम किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी, इसके बाद ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा दोनों हटा देंगे, उनकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट, और इसके बाद हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन कौन सा है, आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी कि आई जो है किससे बदलेगा, ही से, ठीक है, तो आई की जगह हम क्या लिख देंगे, ही, और ये पास्ट टेंस है तो इसका टेंस भी बदल जाएगा, कैन किस में बदल जाएगा, कुड में, तो क्या लिखेंगे, ही कुड मीट। उसके बाद आता है यू, यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो यू किससे बदलता है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो इसका क्या आ जाएगा, ही कुड मीट मी, और इसके बाद नाव, नाव को मैंने क्या बताया था किस में बदलेगा, नाव बदल जाएगा देन में। और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो ये वाक्य कैसे बना, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ, कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट ही कुड मीट यू देन। अब नीचे वाला देखो, रवि सेड टू मी, इसको किस में बदल देंगे, ये कैसे लिखा जाएगा, रवि टोल्ड मी, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा दोनों हटा देंगे, किसका प्रयोग करेंगे, कंजक्शन दैट का। इसके बाद क्या प्रोनाउन है, ही, ही सी इट दे, ये कैसे प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन के केस हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं आता, तो इसको कैसे लिखेंगे, ही का ही लिख देंगे, तो ही, इसके बाद इज की जगह क्या आ जाएगा, वाज, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो इसको भी बदल देंगे, इसको पास्ट टेंस में, तो ही वाज माई, माई किससे बदलता है, माई बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो इसका क्या आ जाएगा, माई का क्या हो जाएगा, हिम, ही वाज, सॉरी इसका हो जाएगा हिज, हिज फ्रेंड, माई किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, रवि की जगह क्या लिख देंगे, रवि के स्थान पे क्या आएगा, ही का क्या आ जाएगा, हिज, ठीक है, जैसे आई माई मी, ऐसे ही ही हिज हिम, ऐसे बनाते हैं। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पजेसिव केस है, ठीक है, तो ऐसे इसको बनेंगे, इसमें आ जाएगा रवि टोल्ड मी दैट ही वाज हिज फ्रेंड। अब आगे बात करते हैं, सी टोल्ड मोहन आई डोंट हेट यू, तो कैसे लिखेंगे इसको, सी टोल्ड मोहन, उसके बाद कंजक्शन लगाएंगे दैट आई है, आई किससे बदलता है, जैसे यहाँ पे आपने आई को किससे बदला था, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ऐसे यहाँ भी ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, यहाँ पे ही था तो ही लिख लिया, यहाँ पे सी है तो सी लिख दिया, सी। उसके बाद इसको डू नॉट को किस में बदलेंगे, डिड नॉट में, डिड नॉट हेट यू, यू ऑब्जेक्टिव केस में है, यू किससे बदलता है, इससे,
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो क्या आ जाएगा, सी डिड नॉट हेट हिम, क्या आ जाएगा, सी डिड नॉट हेट हिम, और उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक और लास्ट सेंटेंस देख लो, सी सेड टू नीलम यू रोट ए लेटर, तो क्या लिखेंगे, ही टोल्ड नीलम दैट, यू किससे बदलता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से नीलम से, तो नीलम को क्या लिखेंगे, सी, और कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किससे बदलता है, किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, सी हैड रिटन ए लेटर, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये थे आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है उसके कुछ वाक्य है। अभी मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है उसके भी इन्हीं को बना के दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। देखो बच्चों, ये चार सेंटेंस मैंने लिखे हैं, चारों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तीन प्रेजेंट टेंस में है और एक फ्यूचर टेंस में है। नियम क्या था आपका जो कल लिखवाया था, नियम ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये कैसा क्लोज है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको, इस क्लोज को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, अर्थात जिस टेंस में वो है उसी सेम में टेंस में रहेगी। कैसे, देखो, ही सेज टू मी, इसको कैसे, सेज टू किस में बदल जाता है अगर ऑब्जेक्ट है तो, टेल्स में, तो कैसे बनाएंगे, ही टेल्स मी दैट, प्रोनाउन तो चेंज होगा, आई कैन नॉट, आई कैन मीट यू नाउ, तो आई किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो ये सब्जेक्ट क्या है, ही, अब कैन का कैन ही रह जाएगा, जो टेंस है उसी में रह जाएगा, तो ही कैन मीट यू, यू किस में बदलेगा, मी, और नाव का हो जाएगा देन, तो इतना सा डिफरेंस है केवल। अगर ये पास्ट टेंस में होता रिपोर्टिंग वर्ब तो यहाँ कूड़ कर लेते, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये टेंस जैसा है ऐसा ही रहेगा। अब दूसरा देखो, रवि सेज टू मी, कैसा आ जाएगा, ये रवि टेल्स मी, उसके बाद कंजक्शन आएगा दैट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ही का ही आ जाएगा, इज, और माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज, माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज फ्रेंड, क्योंकि माई किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। इसके बाद सी टेल्स, सी सेज टू मोहन, तो क्या लिखे हो जाएगा, सी टेल्स मोहन, उसके बाद कंजक्शन लगा देंगे दैट, और आई किससे बदलेगा, आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से यानी कि सी से, इसको सी कर लेंगे सी, इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हेट यू, यू का मतलब है मोहन, मोहन को किस में बदल देंगे ऑब्जेक्टिव केस में, हिम में। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि इसको यू लिखा है, यू सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट आई है इसमें और ऑब्जेक्ट यू है, तो मोहन का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, मोहन का मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, हिम लिखा है। ऐसे ही इसमें यू ऑब्जेक्टिव केस में है और यू किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का मतलब आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, मी लिखा है। तो ये डाउट बना रहे बच्चे कि इसमें किसी में हिम लिख देते हैं, किसी में हिज लिख देते हैं, तो जैसा केस है ऐसा ही लिखे जाएगा, सब्जेक्टिव केस है तो ये आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस है तो ये आएंगे, और पजेसिव केस है तो इनको लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें हम ही की, ही सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम और इसका पजेसिव केस हिज, ऐसे ही सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, और पजेसिव केस भी हर या हर्स होता है। देगा पजेसिव केस, देगा ऑब्जेक्टिव केस देम और पजेसिव केस देयर, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और पजेसिव अवर, आई का मी और माई, यू का यू और योर, तो इनको ध्यान करना है, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस होते हैं, इनको इसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब लास्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा है,
ही विल से टू नीलम, तो क्या लिखेंगे, ही विल टेल नीलम दैट। ये रिपोर्टिंग वर्क किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउन बदलेंगे, या जो नियरनेस, जो निकटता प्रकट करने वाले वर्ड हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब हैं, या टाइम से रिलेटेड वर्ड हैं, उनको हम दूर पर दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, जो मैंने चार्ट में दिखाया था आपको पहले। तो यू किससे बदलेगा, यू है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ये बदलेगा नीलम से, यानी कि यहाँ लिख देंगे सी, और इसका रह जाएगा सेम, सी कैन गो नाव, नाव का क्या आ जाएगा देन। तो जो कल चीज़ पढ़ाई थी मैंने वही उसको आज रिपीट किया है, थोड़ा सा और अलग से एक्सप्लेन किया है। ये आपके सारे सेंटेंस थे सिंपल सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। अब मैं अगले टॉपिक, अगला जो क्लास लूँगा उसमें आपको बताऊँगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, इसको आप ढंग से देख लेना, जो कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना बाद में।